वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल डी एम एल टी स्टूडेंट्स तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है टूडेज लेक्चर ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ यानी आज के लेक्चर में आप क्या देखोगे कि स्ट्रक्चर किस प्रकार की एंटीबॉडीज़ की और एंटीबॉडीज़ कितने प्रकार की यानी इम्यूनोग्लोबिल्स कितने प्रकार की हैं उन सभी पे अपन क्या आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले क्या है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज़ यानी उनकी स्ट्रक्चर क्या है किस चीज़ों से वो मिलकर बनी है कैसे कंपोज हुई है तो देखिए एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल हैवी एंड टू आइडेंटिकल लाइट चेन यानी एन आइडेंट एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल यानी एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ यानी मिलकर बनाए किस से टू आइडेंटिकल हैवी यानी दो हैवी चैन से एंड टू आइडेंटिकल लाइट चैन और दो क्या है लाइट चैन से आइडेंटिकल का मतलब है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपन तो एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल क्या है दो हैवी चैन से और दो लाइट चैन से दो मिलकर क्या है एक मॉलिक्यूल बना है द हैवी चैन आर लॉन्गर एंड लाइट चैनस आर शॉर्टर यानी हैवी चैन जो होती है एंटीबॉडी की वो क्या होती है लॉन्गर यानी लंबी और लाइट यानी शॉर्टर यानी छोटी बोथ टाइप ऑफ चैनस आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर और ये दोनों चैन जो है वो नेचर के अंदर कैसी होती हैं पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती हैं यानी प्रोटीनस की द टू हैवी चैनस आर होल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड ईच लाइट चेन इज आल्सो अटैच्ड टू हैवी चेन बाय डाई सल्फाइड बोंड यानी टू द टू हैवी चैन यानी दो जो हैवी चैनस हैं आर होल्ड टुगेदर यानी वो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती हैं बाय डाई सल्फाइड बोंड यानी डबल सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा यानी डबल सल्फर के बॉन्ड के द्वारा ईच लाइट चेन और प्रत्येक लाइट चेन इज आल्सो अटैच टू हैवी चेन यानी प्रत्येक लाइट चेन किससे जुड़ी होती है फिर हैवी चेन से बाय डाई सल्फाइड बोंड यानी किसके द्वारा डाई सल्फाइड बोंड के द्वारा नेक्स्ट द हैवी चैनस आर स्ट्रक्चरली एंड एंटीजेनिकली डिस्टिंक्ट इन डिफरेंट क्लासेज ऑफ इम्यूनोगलोबिल यानी जो हैवी चैनस है वो स्ट्रक्चरली और एंटीजनिकली क्या है अलग अलग क्लासेज के अंदर इम्यूनोग्लोबिलीन क्लासेज के अंदर क्या है डिवाइड करी गई है यानी yani, जो इम्यूनोगलोबिल्स एंटीबॉडीज़ का डिवाइडेशन किसके बेस पर किया गया हैवी चैनस के बेस पे तो एक ही हैवी चैन यानी क्या है कि एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल हैवी एंड टू आइडेंटिकल लाइट चैन यानी एक एंटीबॉडी का मॉलिक्यूल दो हैवी चैन और दो लाइट चैन से मिलकर बना है जिसमें हैवी चैन लंबी होती है और लाइट चैन शॉर्टर होती है और दोनों ही नेचर के अंदर कैसी होती है पॉलीपेप्टाइड जो दो हैवी चैनस है वो एक दूसरे के साथ किससे जुड़ी होती है डाई सल्फाइड बॉन्ड से और बची हुई जो दो लाइट चैन है दोनों लाइट चैन किससे जुड़ी होती है एक एक हीवी चैन से जुड़ी होती है किसके द्वारा डाई सल्फाइड बोंड से और जो एंटीजनिक एंटीबॉडीज़ को क्लासिफाई किया गया है इमिनोगलोब को अलग अलग क्लासेस में डिफ्रेंशिएट क्लासेस में डिवाइड किया गया है वो किसके बेस पे किया गया है हैवीचैनस के ऊपर क्योंकि हेवी चैनस की स्ट्रक्चर क्या है अलग अलग होती है नेक्स्ट देखिए एच का मतलब है हैवी चेन हैवी चेन इन वेरियस क्लासेज ऑफ एंटीबॉडी यानी हैवी चैन की जो क्लासेज हैं वो क्या क्या हैं तो देखिए सबसे पहले क्या है आई जी जी तो जी के अंदर क्या प्रजेंट होता है गामा चेन प्रजेंट होती है हैवी चेंस में फिर आई जी एम आई जी एम के अंदर क्या है म्यू प्रजेंट होता है आई जी ए का मतलब क्या है उसमें अल्फा चेन प्रजेंट होती है और आई जी जी के अंदर क्या है डेल्टा चेन प्रजेंट होती है और आई जी के अंदर एपसाइलन चेन प्रजेंट होती है यानी आई एंटीबॉडी के अंदर एप्साइलिन हैवी चैन प्रेजेंट होती है नेक्स्ट द लाइट चैन आर सिमिलर इन ऑल क्लासेज ऑफ इम्यूनोग्लोबिलिन यानी लाइट चैन जो है वो सभी क्लासेज के अंदर जो इम्यूनोग्लोबिलीन की क्लासेज हैं उनमें सिमिलर रहती है यानी समान रहती है देयर आर टू फॉर्म यानी क्या है लाइट चैन की दो फॉर्म होती है ऑफ लाइट चैन कप्पा एंड लेमडा यानी क्या है लाइट चैन की दो फॉर्म होती है एक तो कप्पा होती है और दूसरी लेमडा ईच इम्यूनोग्लोबिलीन हैज आइदर टू कप्पा एंड लेमडा चैन बट कप्पा एंड लेमडा नेवर फाउंड इन ए मोलिक्यूल यानी प्रत्येक इम्यूनोग्लोबिल के मोलिक्यूल के अंदर या तो दो कप्पा होगी या दो लेमडा होगी चैन बट कप्पा एंड लेमडा यानी दोनों एक साथ कप्पा और लेमडा नेवर फाउंडिने मोलिक्यूल यानी दोनों कप्पा और लेमडा एक मोलिक्यूल के अंदर एक साथ कभी भी प्रजेंट नहीं होती तो हैवी चैन की अलग अलग क्लासेस कौन सी हैं तो देखिए आई जी, जी हो गई गामा से आई जी एम यू आई जी एल्फा आई जी डी का मतलब डेल्टा आई जी का मतलब एप्साइलन द लाइट चेन आर सिमिलर इन ऑल क्लासेज ऑफ इमिनोग्लोबिलट चैन क्या है सभी क्लासेज में सिमिलर होती हैं और वो फॉर्म के अंदर दो होती हैं जैसे एक तो कप्पा और दूसरी लेमडा और एक इमिनोग्लोबिलीन के अंदर दो लाइट चैन प्रजेंट होती है चाहे वो दो कप्पा हो या फिर लेमडा हो ये ऐसा नहीं हो सकता कि एक कप्पा होगी एक लेमडा होगी वो दोनों एक साथ कभी भी प्रजेंट नहीं होती यानी कप्पा और लेमडा एक साथ किसी भी इमिनोग्लोबिलिन में प्रजेंट नहीं होती वो डिस्टिंक्ट होती यानी अलग अलग फेज़ के अंदर क्या है कि एक मोलिक्यूल के अंदर प्रजेंट होती हैं जो दो हैवी चैनस होती हैं वो दोनों हैवी चैन एक दूसरे के साथ किससे जुड़ी रहती हैं लाइट चेन सॉरी डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा और जो लाइट चैनस है लाइट चेन किससे जुड़ी रहती है दोनों हैवी चेन से जुड़ी रहती हैं किसके द्वारा डाई सल्फाइड बोंड के द्वारा नेक्स्ट देखिए बहुत लाइट एंड हैवी चेन कंसिस्ट टू पोर्शन यानी लाइट और हैवी चैंस मिलके क्या है दो पोर्शन बनाती है एक तो होता है वेरिएबल रीजन यानी जिसको वी बोलते हैं दूसरा होता है कांस्टेंट रीजन वेरिएबल रीजन का मतलब जिसके अंदर चेंजेज होते रहते हैं कॉन्स्टेंट रीजन का मतलब ऐसा रीजन जो क्या है कभी भी चेंज नहीं हो नेक्स्ट एंटीजन एंटीजन कंबाइनिंग साइट इज एट अ टर्मिनस विच कंसिस्ट ऑफ बोथ हैवी एंड लाइट चेन यानी एंटीजन कंबाइनिंग जो साइट होती, uh, होती है यानी एंटीबॉडी के ऊपर जिस जगह एंटीजन जुड़ता है वो क्या है माइनो टर्मिनस साइट होती है यानी जहाँ पे एन एस थ्री प्रजेंट हो और एन एस थ्री वहाँ पर प्रजेंट होता है जहाँ पे लाइट और हैवी चेन दोनों प्रजेंट हो यानी बहुत लाइट और हैवी चेन दोनों ही प्रजेंट हो नीचे स्ट्रक्चर के अंदर देखिए कि जो बड़ी है पिंक कलर की है दो वो क्या है? है हैवी चेन्स है ठीक है और वो दोनों बीच में डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं जिसको क्या बोलते हैं अपन डाई सल्फाइड बोंड बोलते हैं और जो ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं आपको वो क्या है दो हैवी चैन हैं और वो दोनों हैवी चैन एक एक किससे जुड़ी हैं लाइट लाइट चैन वो दोनों क्या है लाइट चैन <souvent> है ग्रीन कलर की और ये दोनों लाइट चैन किससे जुड़ी हैं हैवी चैन से जुड़ी है डाई सल्फाइड बॉन्ड के द्वारा और उप जहाँ पे लाइट और हैवी चैन दोनों प्रजेंट है उसको क्या बोला गया है वी लिखा हुआ है वी का मतलब क्या है वेरिएबल रीजन यानी जो चेंज हो सकता है जिसके ऊपर क्या लिखा है एंटीजन कंबाइनिंग साइट यानी एंटीजन बाइंडिंग साइट यानी एंटीजन क्या है यहां पे अटैच होगा और नीचे क्या हुआ लिखा हुआ है सी यानी कॉन्स्टेंट रीजन यानी जो क्या है बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहता है स्थिर रहता है तो ये क्या है स्ट्रक्चर है किसकी एंटीबॉडीज की जो अमाइनो टर्मिनस साइट है वो क्या है वेरिएबल रीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है एन एस थ्री और नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होता है सी डब्ल्यू एच यानी कॉन्स्टेंट रीजन के अंदर तो so लाइट और हैवी चैन दोनों मिलकर दो रीजन बनाती है वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट वेरिएबल रीजन पे क्या जुड़ता है एंटीजन जुड़ता है नेक्स्ट क्या है इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस तो इम्यूनोग्लोबुलिन क्लासेस का अंदर सबसे पहली क्लास किसकी है इम्यूनोग्लोबुलिन जी की यानी आईजी जी की तो मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन एटी परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट यानि सीरम के अंदर टोटल अमाउंट जो है म्यूनोग्लोबिल्स का उसके अंदर आई का कितने परसेंट होता है तो एट्टी परसेंट होता है यानी अस्सी परसेंट नॉर्मल सीरम कंसनट्रेशन कितनी होती है आई की तो एट टू सिक्सटीन एम पर एम यानी यानि आठ से सोलह मिलीग्राम पर मिली मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है आई का तो वन लैख फिफ्टी थाउजेंट यानि एक लाख पचास हज़ार ओनली ऑन आई जी जी देट इज़ ट्रांसपोर्ट थ्रो प्लेसेंटा एंड प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न यानी एक आई जी जी ही ऐसी इम्यूनिग्लोबिलीन है जो क्या है ट्रांसपोर्ट थ्रो प्लेसेंटा यानी प्रेगनेंसी के टाइम पर वो क्या है मदरस के प्लेसेंटा से किसके अंदर आ जाती है फिटस के अंदर एंड प्रोवाइड नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी टू न्यूबॉर्न और न्यूबॉर्न को यानी बच्चे को क्या प्रोवाइड करवाती है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आई जी जी का नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द इंट्रावेस्लर एंड एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट यानी ये दोनों के बीच में डिवाइडेड रहती है डिस्ट्रीब्यूट रहती है यानी इंट्रावेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर एक्स्ट्रा यानी ब्लड वेसल्स के बाहर तो दोनों कंपार्टमेंट के अंदर क्या आई जी एंटीबॉडीज प्रजेंट रहती हैं नेक्स्ट आई जी जी अपीयर लेट बट परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम लॉन्गर पीरियड पीरियड यानी आई जी जी जो एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिलीन है वो क्या है आती तो लेट यानी लेट फॉर्म होती हैं बनती लेट है और परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम लेकिन प्रजेंट क्या है लंबे समय तक रहती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर तो सबसे पहले देखिए कि मेजर सिरम इम्यूनोग्लोबिल 80 परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट यानी क्या है आई कितने परसेंट अमाउंट है टोटल के 80 परसेंट है नॉर्मल सिरम के अंदर कंसंट्रेशन है 8 से 16 मिलीग्राम पर एम एल वेट है 1 लाख फिफ्टी थाउजेंट यानि एक लाख पचास हज़ार और आई जी ही ऐसी एंटीबॉडी जो प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या है प्लेसेंटा को पार करके मदर से किसके पास चली जाती है न्यू बोर्न के पास यानी प्लेसेंटा को पार कर जाती है और फिटस को क्या प्रोवाइड करवाती है नेचुरल पेसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट यानी आई एंटीबॉडी दोनों के अंदर सिमिलर रहती है ब्लड वेसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है और ब्लड वेसल्स के बाहर भी प्रेजेंट होती है आईजीजी अपियर लेट बट परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम यानी क्या आई जी जी एंटीबॉडी बनती तो लेट है अपीयर लेट होती हैं लेकिन परसिस्ट फॉर लॉन्गर टाइम यानी लंबे समय तक बनी रहती हैं नेक्स्ट देखिए इट अपियर आफ्टर इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स विच इज आई जी एम इन नेचर इट अपियर आफ्टर यानी ये क्या है बाद में आती है कि इसके इनिशियल इम्यून रिस्पॉन्स के यानी इनसे पहले एक इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है विच इज जो क्या होता है आई जी एम एंटीबॉडीज़ होती है नेचर के अंदर यानी जब भी कोई इन्फेक्शन होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी आती है आई जी एम और उसके बाद में क्या फॉर्म होती है आई जी जी इसीलिए क्या है थोड़ी लेट अपीयर होती है नेक्स्ट पार्टिसिपेट इन द प्रेसिपिटेशन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन एंड वायरस यानी ये कौन सी कौन सी रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करती है यानी एंटीजन एंटीबॉडी की अलग अलग रिएक्शंस होती है जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो ये कौन सी कौन सी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है आई जी एन जी एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन जो रिएक्शन है उसमें पार्टिसिपेट करती है और टॉक्सिनस और वायरस के न्यूट्रलाइजेशन में यानी उनको उदासीन करने में उनको किल करने में पार्टिसिपेट करती है नेक्स्ट इट इज़ प्रोटेक्टिव अगेंस्ट दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर एक्टिव इन ब्लड एंड टिशू इट इज़ प्रो प्रोटेक्टिव यानी ये क्या है सुरक्षाकर्मी है प्रोटेक्ट करती है अपने को किसके उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के ख़िलाफ़ विच आर एक्टिव इन ब्लड और टिश्यू जो किसके अंदर प्रजेंट रहते हैं ब्लड और टिशू दोनों के अंदर प्रजेंट रहते हैं यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम को किल करती है जो ब्लड और टिश्यू दोनों के अंदर प्रजेंट रहते हैं उनको ये किल करके ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करती है तो आई जी एंटीबॉडी क्या है कि ये टोटल सीरम के कितने परसेंट है एट्टी परसेंट इसकी कंसेंट्रेशन एटी इन टू सिक्सटी एम पर एम ठीक है मोलिकुलर वेट एक लाख पचास हज़ार आई जी जी एंटीबॉडी ऐसी है जो प्लेसेंटा को पार कर सकती है और ये क्या है थोड़ी लेट अपीयर होती है जो क्या है कि इससे पहले कौन सी एंटीबॉडी आ जाती है आई जी एम नेक्स्ट कौन सी क्लास है तो इम्यूनोग्लोबिल ए क्लास है यानी आई जी ए, तो टेन टू थर्टीन परसेंट ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी सीरम के अंदर टोटल परसेंटेज कितनी होती है इम्यूनोग्लोबिल आई जी की तो दस से तेरह परसेंट होती है नॉर्मल सीरम कंसेंट्रेशन क्या होती है आई की तो जीरो पॉइंट सिक्स टू फोर पॉइंट टू एम जी पर एम यानी जीरो दशमलव छः से चार दशमलव दो मिलीग्राम पर एम होती है प्रजेंट इन टू फॉर्म सीरम इम्यूनोग्लोबिलीन ए एंड सिक्रेटरी आई यानी ये दो फॉरम्स के अंदर प्रजेंट होती है आई जी एंटीबॉडी एक तो सीरम आई जी और एक क्या है सिक्रेटरी आई जी एक तो सीरम में प्रेजेंट होती है एक सिक्रेशन में प्रेजेंट होती है तो सबसे पहले क्या है सीरम आई जी जो क्या है मोनोमोरिक है यानी इसके अंदर क्या है एक ही एंटीबॉडी की यूनिट प्रेजेंट होती है और सीरम आई जी का मोलिकुलर वेट क्या है तो एक लाख साठ यानी यानि वन और सिक्रेटिया आई क्या है तो सिकरेटरी आई जी देखिए फाउंड इन म्यूकोजल सरफेस एंड इन सिक्रेशन यानी वो मूकोजल सरफेस म्यूकोजल सरफेस के अंदर प्रजेंट होती है और जो ह्यूमन बॉडी की सिक्रेशन होते हैं यानी ह्यूमन बॉडी जिन चीज़ों को स्त्रावित करती है बाहर निकालती है उनके अंदर प्रजेंट होती है मोलिकुलर वेट क्या है आई का आई यानी सिक्रेटरी आई का तो फोर लैख यानी चार लाख तो ये क्या है डाइमर फॉर्म्ड बाय टू मोनोमर यूनिट्स यानी ये क्या है दो यूनिट से मिलकर बनी है डाइमरी फॉर्म्ड यूनिट है जो क्या है दो मोनोमेरिक यूनिट से मिलकर बनी है यानी दो मोनोमर यानी सिंगल एंटीबॉडीज़ मिलकर क्या बनाती है एक इम्यून सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए बनाती है विच इज ज्वाइन टूगेदर बाई ग्लाइकोप्रोटीन नेम्ब जे चैन और ये जो दोनों यूनिट होती है मोनोमर यूनिट ये किसके द्वारा जुड़ी रहती है तो ग्लाइकोप्रोटीन बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है जिसका नाम क्या है यहाँ पे जे जेचन बोलते हैं सिक्रेटरी आई जी तो ये टोटल परसेंटेज कितनी होती है दस से तेरह परसेंट होती है सीरम के अंदर कंसेंट्रेशन क्या होती है जीरो पॉइंट सिक्स टू फोर पॉइंट टू एम जी पर एम एल होती है प्रजेंट सीरम के अंदर कितनी प्रजेंट होती है सीरम के अंदर दो फॉर्म में प्रजेंट होती है सॉरी टोटल टो बॉडी टो के अंदर दो फॉर्म में प्रजेंट होती है एक तो सीरम आई जीए और सिक्रेटरी आई जाइए सिरम आई जीए क्या है एक मोनोमोरिक है मतलब क्या है एक ही एंटीबॉडी की यूनिट प्रजेंट होती है इसमें जिसका मोलिकुलर वेट है एक लाख साठ हज़ार और सिकरेटरी आई जी क्या है जिस म्यूकोजल सरफेस और सिक्रेशन के अंदर प्रेजेंट होता है मोलिकुलर वेट है चार लाख नेक्स्ट देखिए सिकरेटरी आई जी ए पॉलीपेप्टाइड अनोदर पोलीपेप्टिक्रेटरी पीस और सिकरेटरी कंपोनेंट यानी सिकरेटरी आई जो होती है सिक्रेशन के अंदर जो प्रजेंट होती है आई जी ए ए उसके अंदर क्या है एक पॉलीपेप्टाइड और प्रजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन सिक्रेटरी पीस बोलते हैं या सिकरेटरी कंपोनेंट बोलते हैं प्रजेंस इन सिक्रेशन यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर सिकरेटरी आईजी एंटीबॉडी म्यूनोग्लोबिलस किस किस के अंदर प्रजेंट होती है तो मिलक के अंदर प्रजेंट होती है यानी जो जिस टाइम पे क्या है ब्रीथिंग की जाती है बच्चे की ब्रीडिंग सेलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है यानी लार के अंदर टीयर्स के अंदर यानी आंसुओं के अंदर प्रेजेंट होती है स्वेट के अंदर यानी पसीने के अंदर सिकरेटरी आईजी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है नेजल फ्लूड्स के अंदर प्रेजेंट होती है कोलेस्ट्रोम के अंदर प्रेजेंट होती है रेस्पाइरेट्री सिक्रेशन के अंदर प्रजेंट होती है जो जेनाइटल सिक्रेशन होते हैं उनके अंदर प्रजेंट होती है सिकरेटरी आई और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन के अंदर प्रजेंट होती है आई नेक्स्ट इम्यूनोग्लोबिल ए इज मेनली सिथिसाइज लोकली बाई प्लाज्मा एंड लिटल यानी आई जी एस से बनती है, तो mostly जो है वो प्लाज्मा सेल से बनती है और कुछ हिस्सा छोटा सा हिस्सा आई जी ए का किसके अंदर सीरम के अंदर तो सिक्रेटरी आई जी क्या है दो मोनोमिक यूनिट से मिलकर बनी होती है यानी दो एंटीबॉडीज की यूनिट मिलकर बनाती है और ये जो दोनों एंटीबॉडीज की यूनिट है वो किससे जुड़ी होती हैं पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं है, जिसका नाम क्या है जे चैन बोलते हैं और सिक्रेटरी आईजी के पास एक अनेदर पॉलीपेप्टाइड कंटेंट होता है जिसको सिक्रेटरी पीस भी बोल सकते हैं यानी जिसे सिक्रेशन होता है या सिक्रेटरी कंपोनेंट भी बोल सकते हैं ये कौन से कौन से सिक्रेशन के अंदर प्रेजेंट होती है तो मिलक के अंदर प्रेजेंट होती है सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है टीयर्स के अंदर प्रेजेंट होती है स्वेट के अंदर न्यूजल फ्लूड के अंदर कोलेस्ट्रोम रेस्पाइरेट्री सिक्रेशन जेनाइटल और इंटेस्टाइनल सिक्रेशन में प्रेजेंट होती है नेक्स्ट देखिए सिक्रेटरी आई जी ए की ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है इस तरीके से बनानी है आपको जिसके अंदर नीचे आप देख रहे हो कि दो जो यूनिट है यानी जो एंटीबॉडीज़ की दो यूनिट अलग अलग क्या है इस तरीके से जुड़ती है जिसके अंदर क्या है दोनों के कॉन्स्टेंट रीजन जुड़ते हैं यानी जहाँ पे ओनली हाई जो हैवी चैनस होती हैं और बीच में जो यू लिखा हुआ है वो क्या है जॉइनिंग चैन है यानी जे चैन है और एक इसके अंदर क्या है ब्लू कलर की लाइन दिखाई गई है जिसको क्या बोलते हैं अपन सिक्रेटरी प्रोटीन बोलते हैं अगर साइड में स्ट्रक्चर में देखेंगे तो पिंक कलर की जो चेन दिखाई गई है यानी जो दो एंटीबॉडीज़ को अटैच कर रही है उसको क्या बोलते हैं जे चेन और ऑरेंज और कलर में एक लाइन दिखाई गई है वो क्या है सिकरेटरी कंपोनेंट है और जे चेन के द्वारा क्या है दोनों मोनोमर यूनिट यानी जो आई की दो मोनोमर यूनिट होती है वो जे चैन के द्वारा यानी जे बॉन्ड के द्वारा अटैच होती है जुड़ती है एक दूसरे के साथ और ये क्या है इम्यूनोग्लोबलिन ए सिक्रेटरी आई की स्ट्रक्चर है और जबकि सीरम आईजी की स्ट्रक्चर कैसी होती है एक सिंगल एंटीबॉडी होती है ठीक है दोनों में डिफरेंस है और ऊपर की तरफ जो है वो क्या होता है एंटीजन बाइंडिंग साइंट आपको पता है माइनो टर्मिनस के ऊपर क्या जुड़ता है एंटीजन जुड़ता है आके नेक्स्ट क्या है तीसरी क्लास है जिसको क्या बोलते हैं अपन इम्यूनोग्लोबिलिन एम बोलते हैं तो अभी तक आपने आई और आई पढ़ लिया है नेक्स्ट देखिए आई तो इम्यूनोग्लोबिलिन एम यानी आई जी एम इज ए पेंटामर कंसिस्टिंग ऑफ फाइव इम्यूनोग्लोबिलिन सब यूनिट्स एंड वन मोलिक्यूल ऑफ जे चैन विच जॉइंस द एफ सी रीजन ऑफ बेसिक सब यूनिट यानी इम्यूनोगोगलोबिन एम जो है इज ए पेंटामर कंसिस्टिंग ऑफ फाइव इमिनोग्लोबिल सब यूनिट यानी एक पेंटामर यूनिट है इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर पांच एंटीबॉडीज <laughs> ये एक पेंटामर सब यूनिट है जिसके अंदर क्या है पांच एंटीबॉडीज की सब यूनिट क्या है जुड़ी होती है यानी मोनोमेरिक पांच यूनिट क्या है जुड़ी होती है सिंगल यूनिट जो देखें अपन वो पांच यूनिट जुड़ी होती है किसके द्वारा बॉन्ड के द्वारा और एक मॉलिक्यूल किसका होता है इसके अंदर एफ सी रीजन के अंदर एक मॉलिक्यूल किसका होता है इसके एफ के एफ सी रीजन के अंदर तो इसके अंदर जे चैन का होता है जो किसके ऊपर जुड़ा, जुड़ा रहता है एफ सी रीजन के ऊपर जुड़ा रहता है यानी क्या है कि आई के अंदर क्या है पाँच यूनिट्स मिलकर मोनोमरी मोनोमेरिक की पाँच यूनिट्स जुड़ के क्या बनाती है इम्यूनोग्लोबुलिन एम बनाती है तो फाइव टू 8 परसेंट ऑफ़ टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन यानी सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन के कितने परसेंट होती है पाँच से आठ परसेंट होती है टोटल सीरम लेवल क्या होता है इसका सीरम के अंदर कंसनट्रेशन क्या होती है तो जीरो पॉइंट फाइव टू टू मिलीग्राम पर एम होती है मोलिकुलर वेट देखिए इसका क्या होता है तो नाइन लाख टू टेन लाख यानी नौ लाख से दस लाख इसीलिए क्या इसको मिलियनर बोलते हैं क्योंकि दस लाख के अंदर एक मिलियन बन जाता है मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रावेस्कुलर और ये किसके अंदर प्रजेंट होती है तो मोस्टली इंट्रावेस्कुलर होती है यानी वेसल्स के अंदर प्रजेंट होती है अस्सी परसेंट अर्लीस्ट सिंथिसाइज इम्यूनोगोग्लोबिल बाई द फीटस और फीटस के द्वारा क्या है सबसे पहले सिंथिसाइज़ की जाती है यानी सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनाई जाती है आई जी एम नेक्स्ट इट अपियर अर्ली इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन बिफोर आई यानी ये क्या है इम्यूनोग्लोबुलिन जी से पहले आती है यानी जब भी कोई ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए उस एंटीजन वायरस को रिस्पॉन्स करने के लिए सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है आई बनती है आई जी एम एंटीबॉडीज़ आर शॉर्ट लीव यानी ये कैसी होती है तो शॉर्ट लीव होती है इनकी लाइफ जो है वो क्या है कम होती है यानी जीवन काल छोटा होता है नेक्स्ट इट्स प्रजेंट्स इन सीरम इंडिकेट रिसेंट इन्फेक्शन यानी किसी पेशेंट के सीरम के अंदर इनकी प्रजेंस क्या इंडिकेट करती है तो इंडिकेट रिसेंट इन्फेक्शन यानी अभी कोई इन्फेक्शन हुआ है किसी वायरस का किसी पैरासाइट का या किसी बैक्टीरिया का द प्रजेंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिलीन एम एंटीबॉडी इन सिरम ऑफ न्यूबॉर्न इंडिकेट कंजेनाइटल इन्फेक्शन बिकॉज इट कैन नाट क्रॉस द प्लेसेंटा यानी द प्रजेंस ऑफ इमिनोग्लोबिन एम एंटीबॉडी एंटीबॉडी इन द सीरम ऑफ निबोर्न यानी किसी नए फीटस के अंदर नए जन्म लिए हुए बच्चे के अंदर आई एंटीबॉडीज़ की प्रजेंस क्या कर क्या शो करती है कि इंडिकेट कंजेनाइटल इन्फेक्शन यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे उस बच्चे में क्या है कोई इन्फेक्शन हुआ है कंजेनाइटल इन्फेक्शन हुआ है बिकॉज इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा क्योंकि आईजीएम एंटीबॉडीज कभी भी प्लेसेंटा को पार नहीं कर सकती क्योंकि ये पेंटामर यूनिट है इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है इसमें पांच मोनोमर यूनिट जुड़ी रहती है एंटीबॉडी की तो इफेक्टिव एंटीबॉडीज़ इन एग्लूटिनेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन तो ये रिएक्शंस कौन सी कौन सी शो करती है एंटीजन एंटीबॉडी की तो एक तो, तो एग्लूटिनेशन रिएक्शन शो करती है और एक कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन मोर एफिशियंट देन आई इन द रिएक्शन और रिएक्शंस के अंदर आई एंटीबॉडी से ये ज़्यादा एफिशियंट होती है ज़्यादा शक्तिशाली होती है प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड इन्वेजन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या है ब्लड्स के द्वारा जो इंटर करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है क्योंकि ये मोस्टली क्या है कैसी होती है इंट्रावेस्कुलर होती है यानी वेसल्स के अंदर प्रजेंट होती है तो आई जी एम क्या है एक पेंटामर सब यूनिट है एक पेंटामर सब यूनिट है जिसके अंदर क्या है पांच मोनोमेरिक सब यूनिट जुड़ के क्या है कि जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर क्या है एक पेंटामर यूनिट बनाती है जिसको आईजीएम एंटीबॉडीज़ मिलते हैं जिसके अंदर एक जे चेंज भी प्रेजेंट होती है एफसी रीजन के ऊपर यानी कांस्टेंट रीजन के ऊपर ये अर्लीस्ट अपीयर एंटीबॉडी यानी सबसे पहले फॉर्म होने वाली है, एंटीबॉडीज़ हैं इसका मोलिकुलर वेट कितना है तो नाइन लैख टू टेन लैख यानी क्या है नौ लाख से दस लाख ये पाँच से तेरह परसेंट क्या है पाँच से आठ परसेंट क्या है सीरम के कंसनट्रेशन में प्रेजेंट होती है इफेक्टिव एंटीबॉडी है आईजीजी एंटीबॉडी से पहले फॉर्म होती है और ये मोस्टली कैसी होती है इंट्रावेस्कुलर होती है एट्टी परसेंट और सीरम के अंदर किसी पेशेंट के सीरम के अंदर आईजीजी एंटीबॉडी क्या इंडिकेट करती है कि उसके अंदर अभी भी कोई रिसेंटली इंफेक्शन हुआ है नेक्स्ट देखिए स्ट्रक्चर किसकी आई एंटीबॉडीज़ की तो स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि पांच मोनोमर यानी सिंगल सब यूनिट्स एंटीबॉडीज़ की क्या है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और इन्हीं पांच यूनिट्स के कारण क्या है इसको पेंटामर यूनिट बोलते हैं और साइंस के अंदर पेंटा का मतलब क्या होता है फाइव यानी पाँच तो पाँच सब यूनिट्स मिल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जिसके अंदर एवी चैनस बाहर की तरफ है और जुड़ा हुआ कौन सा रीजन है तो एफ सी रीज़न यानी कॉन्स्टेंट रीज़न और एक क्या प्रजेंट है आई के अंदर तो एक जे चैन प्रजेंट है आपको डायग्राम के अंदर एंटीबॉडीज के डायग्राम भी साथ में प्रिपेयर करने हो सकता है एग्जाम के अंदर एंटीबॉडीज के अलग अलग क्वेश्चन पूछ ले हो सकता है एक नंबर का बड़ा क्वेश्चन पूछ ले यानी इस पूरी एंटीबॉडीज के बारे में डिटेल में पूछ ले नेक्स्ट देखिए इम्यूनोग्लोबुलिन डी यानी आईजीडी बोलते हैं जिसको तो आईजीडी रिजेंबल्स स्ट्रक्चरली यानी आई जी जी इम्यूनोग्लोबिलीन डी जो एंटीबॉडी है वो रिजेंबल्स यानी किसके जैसी होती है तो आई जी जी एंटीबॉडी की होती है जैसी होती है यानी आई जी डी जो एंटीबॉडी है वो आई जी जी एंटीबॉडी के सिमिलर होती है उसी के जैसी स्ट्रक्चर के अंदर दिखती है सीरम कंसनट्रेशन कितनी होती है इसकी तो थ्री मिलीग्राम पर एम एल होती है मोस्टली इंट्रावेस्कुलर यानी कि इसके अंदर प्रजेंट होती है तो वेसल्स के अंदर प्रजेंट होती है ब्लड वेसल्स के अंदर होती है ब्लड के अंदर मोलिकुलर वेट कितना है तो वन लैख एट्टी थाउजेंड यानी एक लाख अस्सी हजार मोलिकुलर वेट इसका होता है किसका आईजी डी का यानी इम्यूनोग्लोबिल डी एंटीबॉडीज का तो आईजी किसके रिजेम्बल होती है किसके जैसी होती है तो इम्यूनोग्लोबिल जी एंटीबॉडी की जैसी होती है जो सिरम कंसनट्रेशन है थ्री एम पर एम और मोलिकुलर वेट है वन लैख एट्टी थाउजेंड नेक्स्ट देखिए इम्यूनोग्लोबिलीन ई यानी आई जी ई जो लास्ट एंटीबॉडी है एंटीबॉडीज की इम्यूनोग्लोबिलस का लास्ट टाइप है तो मेनली प्रोड्यूस इनटू लाइनिंग रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी मोस्टली कहाँ पे प्रजेंट होती है आई जी तो अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है और जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है उसमें एपिथीरियल सरफेस के अंदर जो लाइनिंग होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है सिरम कंसंट्रेशन कैसी होती है तो ट्रेस यानी सिरम के अंदर कैसी होती है बहुत ही कम मात्रा के अंदर प्रेजेंट होती है फि मोनोग्राम यानी बहुत ही कम मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्स्ट्रा वेस्कुलर मोस्टली कैसी कंडीशन में प्रजेंट होती है तो एक्स्ट्रा वेस्कुलर यानी ब्लड वेसल्स के बाहर प्रजेंट होती है आल्सो रेफर्स एज रेजिन्स इसको क्या है रेजिन्स भी बोलते हैं यानी एलर्जिक कंडीशन की एंटीबॉडीज़ भी बोल सकते हैं मोलिकुलर वेट क्या है इसका तो वन लेख नाइन्टी थाउजेंट यानि एक लाख नब्बे हज़ार इट इज़ हीट लेबाइल वेयर इज़ अदर इम्यूनोग्लोबिलिन इज हेट स्टेबल यानी ये क्या है आई जी ई जो है इम्यूनोग्लोबिलिन वो क्या है हीट लेबाइल है यानी हीट से टूट जाती है और अदर जितनी भी टाइप की एंटीबॉडीज़ हैं वो सारी क्या होती है हीट स्टेबल होती है यानी हीट के अंदर टूटती नहीं है इट हैज़ एफिनिटी टू फॉर सरफेस ऑफ टिश्यू सेल इट हैज़ एफिनिटी फॉर सरफेस ऑफ टिश्यू सेल यानी इसका एफिनिटी का मतलब होता है लगाव या प्रजेंस तो ये क्या है टिश्यू सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है यानी टिश्यू सेल्स के इसकी अटैचमेंट होती है इम्यूनोग्लोबिलिन इज इम्यूनोग्लोबिलिन ई इज मीडिएट टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी यानी ई जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या है हाइपर सेंसिटिविटी का टाइप फर्स्ट क्रिएट करती हैं यानी जब अपना इम्यूनोग इम्यून सिस्टम ज़्यादा हाइपर हो जाता है यानी अपनी बॉडी को ए समझ लेता है दुश्मन समझ लेता है तो उसमें फर्स्ट टाइप किसके कारण होता है इम्यूनोग्लोबिल ई के कारण और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है तो एनाफाइलेटिक रिएक्शंस के लिए एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है तो इम्यूनोग्लोबुलिन ई का इन्वॉल्वमेंट होता है और आई क्या है एलर्जिक एंटीबॉडीज़ होती हैं क्योंकि रेस्पाइरेशन के अंदर प्रजेंट होती है नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर ऑन एंटीजन एंटीबॉडीज़ एंटी रिएक्शन यानी आपकी जो एंटीजनस और एंटीबॉडीज़ की जो रिएक्शन होती है जितने टाइप की जैसे प्रेसिपिटेशन एग् एग्लूटिनेशन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एलाइज़ा तो वो सारे क्या है अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे यानी इम्यूनो फ्लोरेसेंस और क्या है लास्ट में क्या होता है जैसे इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी तो वो सारे किसके ऊपर डिस्कस करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो एक इम्पॉटेंट टॉपिक है थैंक्स टू ऑल